गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ कमलेश दीक्षित और हमारा सब्जेक्ट है प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, बीटेक फर्स्ट ईयर। आज हमारा लेक्चर नंबर है 9। आज का हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम, जो कि हमारा प्रीवियस टॉपिक ही है, क्योंकि ये टॉपिक जो है अभी कुछ वीडियोज़ तक चलेगा, हम कुछ वीडियोज़ में इसको कम्प्लीट कर पाएंगे, काफ़ी बड़ा टॉपिक है इसलिए। तो आज हमारे नंबर सिस्टम का जो है पार्ट टू है, सेकेंड वीडियो है ये नंबर सिस्टम के ऊपर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर जो था हमारा, जो पिछला वाला वीडियो था, उसमें हमने देखा कि किस तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम से हम दूसरे नंबर सिस्टम के अंदर जा सकते हैं, हमें क्यों कन्वर्ट करना पड़ता है, क्या चाहिए होता है, किस किस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कौन कौन से में कन्वर्ट होता है, कौन कौन से हमारे पास नंबर सिस्टम्स होते हैं। तो कौन कौन से नंबर सिस्टम्स होते हैं, अगर एक बार हम रिवाइज़ करें वापस, तो हमारे पास चार तरीके के नंबर सिस्टम हैं। कौन कौन से? बाइनरी नंबर सिस्टम है, ऑक्टल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या होता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम में उसका बेस 2 होता है, और ऑक्टल में क्या होता है, बेस 8 होता है, और डेसिमल में बेस कितना होता है, 10 होता है, और हेक्साडेसिमल में 16 होता है। बाइनरी में जो संख्याएं होती हैं 0 से 1 होती है, ऑक्टल में 0 से 7 तक होती हैं, डेसिमल में 0 से 9 तक होती है, और हेक्साडेसिमल में 0 से 15 तक होती है। उनमें भी 10 से लेकर 15 तक को हम ABCDEF में दिखाते हैं, इस तरीके से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने पिछले वाले में देखा कि किस तरीके से हम डेसिमल नंबर को अदर नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर से अदर नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको डिवाइड करना पड़ता है, किससे? जिस भी बेस में हम जा रहे हैं उस बेस से हमें उसको डिवाइड करना पड़ता है, और रिमाइंडर को हम लिखते जाते हैं। फाइनली जब हमारा आंसर आता है तो उसको हम डाउन टू अप की तरफ, डाउन टू या बॉटम टू अप की तरफ उसको हम उसको राइट कर देते हैं, और वो हमारा आंसर होता है। अब हम देखते हैं जो हमारा दूसरा तरीके का जो कन्वर्जन सिस्टम था, कि अदर बेस से वापस से डेसिमल में कैसे आया जाए। क्योंकि अगर कोई संख्या है वो ऑक्टल में है या बाइनरी में है या हेक्साडेसिमल में है, तो हम उसको किस तरीके से डेसिमल में ला सकते हैं, क्योंकि हमें कौन सा नंबर सिस्टम समझ में आता है, डेसिमल नंबर सिस्टम समझ में आता है। इसलिए हमें ये भी आना चाहिए कि जो दूसरा नंबर सिस्टम हमारे सामने दिया गया है उसे हम उस नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करें जो हमारे आसानी से समझ में आता है। तो हम देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट होता है। टू कन्वर्ट द नंबर सिस्टम फ्रॉम एनी अदर बेस, किसी भी दूसरे बेस से इसको कन्वर्ट करने के लिए डेसिमल नंबर में हमको क्या करना होता है, ये कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ती है। सबसे पहले हमें क्या करना है, डिटरमाइन द बेस वैल्यू ऑफ सोर्स नंबर सिस्टम। जो भी जिससे सोर्स का मतलब जिस नंबर सिस्टम से हमें डेसिमल में जाना है उस नंबर सिस्टम का बेस मालूम करें, यानी कि जो संख्या हमको दी गई है उसका बेस हमको साथ में दिया गया होगा, तो बेस हमें मालूम करना है कि कौन सा बेस उसका दिया गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ डिजिट्स फ्रॉम LSB टू फ्रॉम 0 से 1, 2, 3 ऐसे आगे। जैसे कहना, इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे हमारे पास कोई संख्या दी गई बाइनरी की 1, 0, 1, 2, इस तरीके से कोई संख्या हमें दी गई। अब ये बाइनरी की संख्या हमको दी गई है, जो मैंने 2 लिखा है ये इसका बेस है। तब हम क्या करें कि जो 101 है इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे, कैसे, सेम 101। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको नंबरिंग दे देते हैं 0, 1, 2, इस तरीके से 3, 4, 5 ऐसे सोन आगे तक नंबर। इसको अगर कोई और बड़ी संख्या होती तो हम इसको आगे तक इसको नंबर दे देते। तब हम क्या करेंगे, इसको नंबरिंग करने के बाद हमारे जो अगली स्टेप है वो क्या करती है कि हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ईच डिजिट, जो भी डिजिट है उसको करस्पॉन्डिंग जो बेस होता है उसकी पावर को यूज़ करते हुए, जो बेस के ऊपर हम 0, 1, 2, 3 इसी तरीके से पावर लगाते जाएंगे, और जो भी डिजिट हमें दी गई है उसको हम उसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और फाइनली जो थर्ड स्टेप हमारी होगी, हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट जो वैल्यू होगी हमारी उसको बी स्टेप में जो आई है उनको ऐड कर देंगे। अब एक एग्जांपल को, जो हमारे एग्जांपल आएंगे उनको हम जो आगे देखें, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि किस तरीके से मैंने एक डायग्राम बना रखा है यहाँ पे। ये चार रोज़ के अंदर एक डायग्राम है इसका, जिसको हम सॉल्व करते हैं, जो सॉल्यूशन है रोज़ के अंदर मैंने सॉल्व किया है। तो इन रोज़ को कैसे रीड करना है, क्या है उसका, क्या इंस्ट्रक्शन है, वो मैंने यहाँ पर दिए हैं। तो सबसे पहला जो हमारा पहला इंस्ट्रक्शन है ए वाला, क्या है कि रो वन में हम क्या करते हैं, कंटेन कर रही है उस डिजिट को जिसको हमें कन्वर्ट करना है, जिस भी डिजिट को, यानी कि जो सोर्स डिजिट हमारी है उसको हमने पहले रो वन के अंदर लिखा है एक एक बॉक्स में। उसके बाद जो रो टू हमारी कंटेन कर रही है, क्या कर रही है, पोजीशन, जैसा कि मैंने बोला था कि क्या करना है हमको 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से उसको पोजीशन देते हुए चलना है। तो ये क्या करेगा, रो टू हमारा क्या कर रहा है, पोजीशंस को रख रहा है। रो थ्री के अंदर हम क्या कर रहे हैं,
रो थ्री कंटेंट्स क्या कर रहा है, डिजिट्स मल्टीप्लाई बेस की पावर। जैसे कि क्या है, जैसे मेरे डिजिट अगर 1 है तो उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, जो बेस है। जैसे कि डेसिमल में मुझे जाना है, वो मुझे बाइनरी से डेसिमल में जाना है तो 2 इसका बेस है। और कौन सी पोजीशन पे, जैसे पहली पोजीशन पे तो 2^1, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल हमारा क्या आएगा, 2 आएगा। इस तरीके से हमें इसको मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। अब तीसरी जो हमारी है, जो डी वाली रो, उसमें क्या करना है, रो 4 कंटेन द कैलकुलेटेड रिजल्ट ऑफ स्टेप 6। जो भी हमारा मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो भी आउटपुट आ रहा है वो हम चौथी रो के अंदर लिखेंगे। फाइनली जो हमारा जो आंसर है, जो चौथी रो के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आई हैं उन सब वैल्यूज़ को हम सम कर देंगे, ऐड कर देंगे, और जो भी हमारा फाइनल आंसर आएगा वो क्या होगा, जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, हमारा फाइनल आंसर होगा, यानी कि कन्वर्टेड डेसिमल नंबर वो होगा। अब हम इसको एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो सबसे पहला हमारा जो है क्या होता है, 3 तरीके के हैं, कौन कौन से कन्वर्जन होते हैं, बाइनरी से डेसिमल जा सकते हैं, ऑक्टल से डेसिमल जा सकते हैं, और हेक्साडेसिमल से भी डेसिमल में जा सकते हैं। तो अब हम किससे जाएंगे, सबसे पहले बाइनरी से डेसिमल में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो ये हमारी डिजिट दी गई है, कौन सी डिजिट दी गई है हमें, 110000001001, और किस में है ये, बाइनरी में। कैसे पता चलेगा कि इसका जो बेस है 2 लगा हुआ है इसके साथ, यानी कि बाइनरी में हमारी डिजिट दी गई है। अब जैसा कि मैंने पहले कहा था, क्या है कि पहली रो के अंदर हम क्या करेंगे, जो भी डिजिट हमें दी गई है उसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, हमने लिख लिया 110000001111001, हमने इसको ऐसे कैसे पूरा पहली रो के अंदर लिख लिया। दूसरा हमें क्या करना था, दूसरी रो में हमें इसको नंबरिंग देते हैं 0 से स्टार्ट करते हुए, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये हमने इसको नंबरिंग दे दी कि हमारे जो भी नंबर है इनको हमको साथ में लिख लिया। अब हमें क्या करना था कि जिस बेस से हमें जाना है, यानी कि जिस भी सोर्स बेस से, बेस जो मालूम करना था, क्यों मालूम करना था, उसका रीज़न अब पता चलेगा कि हमें जिस भी बेस से हमें कन्वर्ट करके डेसिमल में जाना है उस बेस की पावर्स में इसको लिखना है। और पावर्स कौन सी लगेंगी, जो ये सेकेंड रो है, वो जो सेकेंड रो के अंदर हमने नंबरिंग दी है वो पावर्स में लगती जाएंगी। तो हमें किससे कन्वर्ट कर रहे हैं, बाइनरी से, तो बाइनरी का बेस कितना होता है, 2। तो अब ये पावर इसके ऊपर लगा देंगे, 2 के ऊपर, 2^0 2^1 2^2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 2^13, ये सारी चीज़ें हम इसमें लगा देंगे। यहाँ पे हमने पावर्स लगा लिया। अब पावर्स के साथ साथ हमने क्या करना था, थर्ड रो हमारी क्या कहती है कि मल्टीप्लीकेशन किसको करना है, जो रो 1 के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनको मल्टीप्लाई करते जाना है इनकी पावर के साथ। जैसे मैंने लिख दिया 10011, इनको मल्टीप्लाई करते जाना है। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 1 × 2^0, 2^0 क्या होता है, 1 ही होता है। किसी भी संख्या की अगर पावर 0 होती है तो क्या होती है, 1 ही होती है। तो 1 को मल्टीप्लाई किया 2^0 से, तो क्या आएगा हमारा, 1 आया। हमने क्या किया, जो रो 4 थी वो क्या कर रही थी, इनका जो मल्टीप्लीकेशन जो रिजल्ट आ रहा है उसको कंटेन कर रही, तो रो 4 के अंदर हमने क्या किया, रिजल्ट को रख दिया। 0 को मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से करोगे तो 0 आएगा, फिर से वही 0 आएगा। 1 को मल्टीप्लाई किया 2^3, 2^3 कितना होता है, 8 होता है, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। 2^4 16, तो 16 ये 32, इस तरीके से 0 फिर 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 हो जाएंगे। फिर 2^12 कितना होता है, 4096 होता है, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4096 आएगा। ऐसे 13 कितना होता है, 8192 होता है, तो इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हमारा जो पांचवी स्टेप है, जो क्या कहती है, वो क्या कहती है कि जो फोर्थ रो के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो भी वैल्यूज हैं, उन सबको हम सम कर देंगे। तो जीरोज़ को तो कोई मतलब नहीं लिखने का, बाकी इनको हम सम कर देंगे, 1 8 16 32 4096, और ये इसको ऐड कर देंगे, फाइनल हमारा कितना आएगा, 1 2 3 4 5। तो हमारा आंसर क्या है, 1 2 3 4 5 आंसर है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 और ये ब्रैकेट में 10। तो इसको 10 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट हो जाएगा, डेसिमल नंबर सिस्टम में माना जाएगा। ये तो हो गया हमारा बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन। हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी चीज़ को ठीक से समझने के लिए। अब मैंने टेबल नहीं बनाई है, इस बार मैंने टेबल नहीं बनाई है, क्योंकि अगर आप बुक के अंदर लिखें तो ज़रूरी नहीं कि आप टेबल बना के लिखें, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। वो जस्ट ने आपको समझाने के लिए मैंने टेबल बनाई थी, तो मैं हर एक एग्जांपल का जो भी कन्वर्जन है उसको टेबल के साथ ही बताऊंगा और विदाउट टेबल भी बताऊंगा। तो अब हम एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब हमने क्या करा, डिजिट्स को बाइनरी से वापस से डेसिमल में जाना है, डिजिट्स को मैं ऐसे कैसे लिख लूँगा, 1 1 0 1 0 1, ये मैंने डिजिट्स को एक सीक्वेंस में ऊपर से नीचे लिख लिया। अब क्योंकि जो पावर्स थी इसकी, जो नंबरिंग है वो क्या होगी, 0 1 2 3 4 5,
और 5 तक जाएगी, क्योंकि 6 डिजिट है यानी कि एक कम तक जाएगी तो 5 तक जाएगी। तो ये मैंने क्या किया, 2 to the power 0, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे लिख लिया मल्टीप्लाई करके, और सीधा इसके जो रिजल्टेंट है उनको यहाँ पे लिख लिया, और जो भी फाइनल सम हो के आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिख लेंगे। मैं एक इस जो बाइनरी से जो कन्वर्ट करने का होता है डेसिमल के अंदर, एक सीधा सा शॉर्ट तरीका और अगर हो सकता है इसके अंदर, कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारी डिजिट है जैसे यही डिजिट, मैं इससे भी छोटी डिजिट लेता हूँ, जैसे मैं क्या करता हूँ 101 को ले लेता हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसको हम अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं किस में, डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे काउंटिंग लिख लेंगे। यहाँ पे काउंटिंग क्या लिखेंगे, 0, 1, 2। क्या करेंगे इसके अंदर हम काउंटिंग लिखेंगे, कितने लिखेंगे, सॉरी 0 से नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे इसकी काउंटिंग लिखेंगे 101, यहाँ पे मैंने लिखा डिजिट, इसकी जो काउंटिंग लिखेंगे लिखेंगे 1, 2 और 4, इस तरीके से लिखेंगे। ये 1, 2, 4 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि 2 to the power 0 कितना होता है, 1 होता है, 2 to the power 1 कितना होता है, 2 होता है, 2 to the power 2 कितना होता है, 4 होता है, 2 to the power 3 कितना होता है, 8 होता है। तो इस तरीके से संख्याएं होती है, इसलिए कोई भी डिजिट आएगी उसको हम इस तरीके से लिखते हुए चलेंगे। तो मैंने क्या लिख लिया, 1, 2, 4। अब जहाँ जहाँ 1 है उन संख्याओं को जोड़ते चले, जहाँ 0 है उसको छोड़ते चले। तो कहाँ 0 है, इस 2 के साथ 0, तो इसको छोड़ देंगे और 1 को और 4 को प्लस कर देंगे इन दोनों को, तो कितना आएगा, फाइनल 5 आएगा। तो यानी कि इसका डेसिमल कितना होगा हमारा, 5 होगा। दूसरा एग्जांपल, इसी एग्जांपल को हम कर लेते हैं जो ऊपर दिया गया है। तो इसको मैंने लिख लिया 1, 0, 1, 0, 1, 1, यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब मैंने बोला कि काउंटिंग लिखनी हमें 1, 2, 4, 8, 16, 32। अब क्या कहना है इसका, मतलब कि जहाँ 0 है उसको छोड़ दो, बाकी को जोड़ते चलें। तो कितना हो जाएगा ये, 1 और 2, 3, 3 और 8, 11, 11 और 32, 43। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, 43 आएगा। तो ये काफ़ी इजी पड़ जाएगा अगर शॉर्ट में, अगर आप करना चाहें तो आपको ये काउंटिंग वगैरह नहीं लिखनी पड़ेगी। अगर आपको सीधा ऑब्जेक्टिव टाइप में कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको सीधा सॉल्व कर सकते हैं। बाइनरी से डेसिमल के लिए ये यूज़ में आता है, ठीक है। तो मैंने आपको 2-3 तरीके आराम से बता दिए, आप जिस भी तरीका आपको जो भी सूटेबल लगे आप उसको उस तरीके से सॉल्व करें, लेकिन बड़ा ही सावधानी और धैर्य से करें ताकि कोई भी मिस्टेक उसमें ना हो। अब हम बात करते हैं अगला, ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्जन। सेम हम एग्जांपल ले रहे हैं, वही मैंने टेबल बनाई है, आपको टेबल वाला सिस्टम समझ में आ गया कि किस तरीके से पहली रो के अंदर हम सिर्फ डिजिट को लिखते हैं, दूसरी के अंदर उसकी नंबरिंग है, तीसरी के अंदर उसको मल्टीप्लिकेशन के साथ लिख रहे हैं, और चौथी में मल्टीप्लाई का जो रिजल्ट है वो है, और फाइनली फिर हम सम कर देंगे। तो अब हमारा ऑक्टल का नंबर है 30071, ये हमने इसको लिख लिया 30071 यहाँ पे लिख लिया मैंने पूरा। अब इसके बाद क्या किया, इनकी नंबरिंग दे दी, कितनी संख्याएं हैं आप तो काउंट कर लीजिए, 5 डिजिट्स हैं यानी कि 4 तक नंबरिंग जाएगी। तो 0, 1, 2, 3, 4 तक नंबरिंग कर दी। अब 8 की पावर में 0, क्योंकि ये जो भी नंबरिंग आई उनको 8 की पावर में लगाते चलें, तो 8 की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 8 की पावर 4, इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन में किसको लिख देंगे, ऊपर वाले डिजिट्स को लिख देंगे, और डिजिट्स को लिख दिया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1, ये आया 56, ये 0, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 0 हो जाएगा, और ये 8 की पावर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12,288 इसका आएगा। तो फाइनली जब इनको सम कर देंगे तो हमारा क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 12,345, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 इसका आंसर आएगा, और 10 हम इसको लिख लेंगे साथ में, ठीक है। तो ये हमारा कन्वर्जन हो गया। एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे पीछे लिया था 7 to 4 ले लिया, इसको लिख लिया मैंने, इसको मैंने लिख लिया 7 to 4, यहाँ से 0 से पावर करके यहाँ से उसको साथ के साथ लिख लिया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, जो भी आंसर आया तो 648 इसका कन्वर्जन इसमें हो जाएगा। तो क्या आएगा इसका, 468 इसका आंसर आएगा। फिर से हम कन्वर्ट करते हैं, चलते हैं आगे, चलते हैं हेक्साडेसिमल से डेसिमल के अंदर, हम चलते हैं कि हेक्साडेसिमल से डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट होगा। प्रोसेस वही है, मेथड बिल्कुल वही है, कि पहली रो के अंदर हमें क्या करना है, डिजिट को लिखना है, सेकंड रो के अंदर हमें क्या करना है, हमको नंबरिंग देनी है, थर्ड रो के अंदर हमें क्या करना है, उसको मल्टीप्लिकेशन के साथ लिखना है, फोर्थ रो के अंदर क्या करना है, जो भी आउटपुट आएगा फोर्थ थर्ड रो का उसको लिखना है मल्टीप्लिकेशन के बाद, और फाइनली क्या करना है हमें फिफ्थ स्टेप में, कि जो हमारा फोर्थ रो के अंदर वैल्यूज उन सबको ऐड कर देंगे। अब हमारे सामने क्या है, 2D5 ये वैल्यूज हमने इसमें लिख लिया। अब D क्या, अगर मैं D लिखूंगा तो D कितना होता हमारा, अगर ए बी सी डी से काउंट करेंगे तो ए कितना है 10, बी कितना हमारा 11, सी कितना हमारा 12 और डी कितना होगा 13। तो टी कितना होगा 13, तो ये ब्रैकेट में हमने 13 लिख लिया, यहाँ पे ये ब्रैकेट में हमने 13 लिख लिया डी के साथ। नंबरिंग दे दी, कितनी डिजिट है, 3 डिजिट्स हैं, तो क्या हो जाएगा,
टू तक काउंटिंग जाएगी तो 012 आ जाएगा। इसको ऐसे क्योंकि बेस कौन सा हमारा 16 है, हेक्साडेसिमल से हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा बेस है उसकी पावर्स में हम लगा देंगे तो 16 की पावर 0, 1 और 2 इस तरीके से हो जाएगा। साथ में मल्टीप्लिकेशन के लिए डिजिट्स को लिख देंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो रो फोर्थ के अंदर आ जाएगा और इन सब का जो एडिशन करके फाइनल आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा डेसिमल नंबर। तो ये इस तरीके से हमने हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्ट किया। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, एक एग्जांपल और है कि एबीसी, क्या संख्या हमारी एबीसी हेक्साडेसिमल में उसको हमें कन्वर्ट करना है, किस में, डेसिमल में। ठीक है, तो अब इसको डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले वही इनको वापस से हम ऊपर रिवर्स ऑर्डर में इसको हमने लिख लिया सी बी ए और यहाँ पे 012 इस तरीके से लिख लिया। फिर सी का कितना होता है 12 होता है, बी कितना होता है 11 होता है, ए कितना होता है 10 होता है, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, किससे मल्टीप्लाई किया 116 और 56, 256 कैसे आया 16 की पावर 01 होता है, 16 की पावर 116 होता है, 16 की पावर 2 कितना होता है 256, मल्टीप्लाई करके कितना आया 12 176 और 2560 इसका आया। फाइनली इन सबको सम करेंगे तो हमारा कितना आएगा 2748 हमारा डेसिमल में आएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी बाय अदर नंबर को हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हमारे जो दो लेक्चर हैं वीडियो लेक्चर, उनमें हमने क्या क्या देखा कि किस तरीके से डेसिमल से अदर नंबर में जाते हैं और किस तरीके से वापस से अदर नंबर से डेसिमल के अंदर आते हैं। अब जो नेक्स्ट लेक्चर, जो नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे, पहले तो हम शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे कि जो हमने किया है इसको शॉर्टकट में कैसे कन्वर्ट करें, जैसे अदर बेस से जाना है दूसरे बेसों में कन्वर्ट करना, ये कन्वर्ट। और दूसरा उन क्या देखेंगे साथ में, हमको एक चीज़ अभी और बाकी रह रही, तीसरा कन्वर्जन कौन सा था हमारा, तीसरा कन्वर्जन है कि अदर बेस से अदर बेस, यानी कि डेसिमल के अलावा कि जैसे बाइनरी से हेक्साडेसिमल में, बाइनरी से ऑक्टल में, इस तरीके से कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको देखेंगे। साथ ही साथ अभी हमारा डेसिमल पॉइंट वाला भी रह रहा है कि पॉइंट वाली संख्याओं को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो ये भी चीज़ें हम आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो आने वाले वीडियोज़ के लिए कंटिन्यू जुड़े रहें और वीडियोज़ देखते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।